दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं OUD का टाइटेनियम सीरीज का एक ब्लूटूथ नेकबैंड। यहाँ पर देख सकते हैं NBE 70B। इसके अंदर आपको 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है दोस्तों, और चार्जिंग की बात करें तो 1 से 2 घंटे के अंदर दोस्तों ये चार्ज हो जाता है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर आपको बैटरी जो है लगभग 24 घंटे के आसपास है, पर ये आपकी लगभग 18-20 घंटे के आसपास चल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं OUD लिखा हुआ है और भारत देश के बढ़ते कदम। तो चलिए इसको हम पैकेट कर लेते हैं। और दोस्तों इसके अंदर हमें कुछ और मिलता है नहीं मिलता है, हमें दो ये देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा ये कुछ बड्स मिल जाते हैं, और इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ पिंक कलर का दोस्तों ये है, कुछ लेडीज टाइम में लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर वो OUD की ब्रांडिंग यहाँ पर दिख रही है आपको, और यहाँ पर आपको 3 बटन दोस्तों मिल जाते हैं। ये बीच वाला जो है पावर ऑन ऑफ करने के लिए है, यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट जल चुकी है, इसका ऑन हो चुका है। और दोस्तों ये मैग्नेटिक है, बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, पर ये है अच्छा है, थोड़ा सही से काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको गोल्ड कलर का पूरा यहाँ पर मिल जाता है, पीछे बैक है, और ये कुछ OUD का यहाँ पर लोगो लगा हुआ है। और ये इस तरीके से आपका इतनी आसानी से दोस्तों निकलने वाला नहीं है सही तरीके से। वायर की क्वालिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो वायर की क्वालिटी मुझे कुछ ठीक लगी फिलहाल। और ये हमारा ऑन हो चुका है। अगर हम चार्जिंग की बात करें तो इसके अंदर आपको इसके अंदर माइक्रो USB मिल जाती है, जो कि 1 से 2 घंटे लगभग 2 घंटे के आसपास दोस्तों ये चार्जिंग में टाइम आपका ले लेगा, और आपको 18 घंटे दे देगा लगभग म्यूजिक पर। इसके अंदर दोस्तों 24 घंटे लिखा हुआ है, तो 24 घंटे का हम 18 घंटे ही मान लें, तो 18 घंटे भी दोस्तों बहुत होते हैं म्यूजिक सुनने के लिए। तो दोस्तों इसकी बैटरी वैसे तो मैंने चेक नहीं करी है, पर इसके अंदर आपको लगभग यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 24 घंटे प्ले टाइम लिखा हुआ है दोस्तों। तो इनका लगभग 50-60 के हिसाब से एवरेज होता है दोस्तों। अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो हो सकता है आपको 15 घंटे के आसपास ही मिले, और उससे भी हो सकता है कम ही मिले, पर इनका जो एवरेज होता है दोस्तों 50-60 वॉल्यूम पे रहता है। दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 299 यानी 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और हो सकता है ज़्यादा भी मिले, पर ये आपको कम से कम 300 रुपये के आसपास मिल जाता है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई पता नहीं दोस्तों कितने तक का ये मिल सकता है। आप शॉप से ख़रीदेंगे तो कुछ ऊपर नीचे भी हैं, और हो सकता है अगर आपको ये कुछ 300 के अंदर भी मिल सकता है। तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से इसका साउंड मुझे ठीक ठाक लगा, काफ़ी सही से काम करता है। और दोस्तों ये कंपनी भी है OUD के नाम से, तो इसका साउंड मुझे पैसे के हिसाब से दोस्तों पसंद आया है। बेस वगैरह भी ठीक है और बैटरी भी ठीक ठाक ही होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।